लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने बागी और एक दूसरे के असंतुष्ट नेताओं को साधने का काम कर रही हैं। बीजेपी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बाद अब पूर्व मंत्री हेम सिंह बडाना की घर वापसी हुई है। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे बडाना ने विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जिसमें बडाना को हार का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले बडाना ने फिर से पार्टी का दामन थाम लिया है। बडाना ने साथ ही कहा है कि मैं बिना शर्त पार्टी में वापस आया हूं। देश को आगे बढ़ाने में बीजेपी की बहुत आवश्यकता है। मेरी विचारधारा हमेशा से ही भाजपा की रही है। पार्टी और मेरी कोई अलग शर्त नहीं थी। निश्चित रूप से मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी को भी आवश्यकता थी और हमको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता इस देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की। जिस समय कार्यकर्ताओं में उत्साह जोश था तो कार्यकर्ताओं के कहने पर मैंने चुनाव लड़ा और उसी का परिणाम रहा कि मैं दूसरे स्थान पर रहा था। जीतने वाला भी इंडिपेंडेंट था, हमारे राष्ट्रीय दोनों दलों की जमानतें जब्त हुई थी। लेकिन अब आप उस ठसक से नहीं आए हो क्योंकि आप पार्टी छोड़े हुए हारे हुए हो, इसलिए आपकी ज्यादा पूछ होगी क्या पार्टी में? देखो ऐसा है, हारना जीतना एक सतत प्रक्रिया है। पार्टी में रहकर भी हारते हैं लोग, इंडिपेंडेंट भी हारते हैं, जीतते भी, ये तो जनादेश है। मेरे को जनादेश जनता ने दिया, इस तभी दूसरे स्थान पर रहा था। लेकिन वो ठसक नहीं रहेगी क्या आपकी? मेरी जो आज आदत थी वो आदत आगे भी रहेगी, वही ठसक रहेगी, वही कार्यकर्ता रहेंगे, वही रूप रहेगा। छह साल का निष्कासन खत्म और आपसे बीजेपी में क्या जिम्मेदारी संभालेंगे?